नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। फैशन में फिर आ चुके हैं एक और नए रिएक्शन वीडियो के साथ। तो आज हम करेंगे एक और नए छत्तीसगढ़ी गाने का रिएक्शन, यानी कि सी सॉन्ग का रिएक्शन। और भैया ये गाने का नाम है गजरा वाली, जो कि भैया आया है धमक म्यूजिक पे। तो भैया दो वीक पहले आया है, मैं काफी ज्यादा लेट हूँ। तो चलिए रिएक्शन करते हैं, रिव्यू करते हैं और जानते कैसे रहती है इसकी म्यूजिक, कैसे रहती है लिरिक्स, कैसे रहती है इसकी वाइब, सब चीज का आंसर मिलेगा सिर्फ यहाँ। तो वीडियो शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। और चलो शुरू करते हैं रिएक्शन का कारवाई। लोग कान में लगा हेडफोन, चलिए शुरू करते हैं गजरा वाली, जो कि सीजी सॉन्ग यानी कि छत्तीसगढ़िया सॉन्ग, और आया है दो वीक पहले। तो चलिए देखते हैं, 3-2-1 रिएक्ट करते हैं, स्टार्ट करते हैं। 3-2-1 लेट्स गो। धमक म्यूजिक छत्तीसगढ़। तो भाई स्टार्ट जिस तरीके से, मतलब स्टार्ट हुआ एक नॉर्मल, कि मुझे लगा कुछ स्टोरी ड्रिवन होगा, बट नहीं, स्टार्ट हुआ दो बंदे सो रहे थे, अपना उठता है मुंह धो रहा था, एंड देन सामने से एक मोहतरमा पार होती है। उसके बाद जो म्यूजिक जिस तरीके से स्टार्ट हुआ है, मतलब बहुत ही रॉक वाला म्यूजिक का वाइब लगा है मुझे। तो काफी रॉकिंग गाना होने वाला है मेरे हिसाब से, क्योंकि भैया स्टार्टिंग में इतना रॉक फ्लेवर डाला गया, तो भाई अच्छा लगता है। क्योंकि देखो भाई, ऐसा जो गाने होते हैं ना, इस तरीके के गाने मैंने सुने हैं मोस्टली उड़िया म्यूजिक इंडस्ट्री में, ठीक है, संबलपुरिया म्यूजिक इंडस्ट्री में। तो ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि छत्तीसगढ़िया में क्या वाइब आता है इसका, कैसा रहता है इसका, क्या वो उड़िया वाला फैक्टर रहता है या फिर क्या, वो देखना मजा आएगा। चलो देखते हैं आगे। तो भाई जिस तरीके से स्टार्ट होता है गाना और जिस तरीके से लिरिक्स चलती है, ठीक है, वो चीज मुझे बहुत सही लगा। मैं इसका सिंगर को जानना चाहूंगा, भाई इसका सिंगर कौन है, ठीक है, और इसका सिंगर है आचार्य शाहू। तो भाई साहब, मतलब आचार्य साहू ही है ना, आचार्य साहू जी, इनके जो ये है क्या बोलते हैं सिंगर है, ठीक है, और करिश्मा खान इनकी जो फीमेल सिंगर है। भाई मैं छत्तीसगढ़िया गाना बहुत सारा सुना हूँ, ठीक है, और एक चीज मैंने उसमें नोटिस करा है कि जो मेल वोकल की आवाज होती है ना, जो लड़की की आवाज होती है, वो बहुत ही बेहतरीन होती है, ठीक है, मतलब काफी ठहरा प्लस में काफी मधुरता होता है, मतलब तुम्हें सुनने मजा आता है, ठीक है। फीमेल वोकल के कंपेरेटिवली, ठीक है, तुम मेल वोकल को ज्यादा लाइक करोगे, ऐसा मतलब मैं तो ज्यादा लाइक करता हूँ, ठीक है, और भाई तुम संबलपुरी में देख लो, वहां पे तुम फीमेल वोकल को ज्यादा लाइक करोगे, तो दोनों में डिफरेंस है, ठीक है, बट यहाँ पे मेल वोकल बहुत ही परफेक्ट होता है, बहुत ही परफेक्ट, मजा आता है तुम्हें सुनने में, ठीक है, क्योंकि उनकी आवाज में वो क्या बोलते हैं, थोड़ा ठहराव जो होता है ना, बहुत मजा रहता है, ठीक है, थोड़ा वो अर्जित वाला फैक्टर बोलो तो उस तरीके का रहता है। प्लस में जो कास्ट है, ठीक है, कास्ट में है शशिकांत, फिर जयश्री और राज, तो ये सारे कास्ट में है भाई साहब, और क्या बोलते हैं जयश्री का बहुत सारा म्यूजिक वीडियो मैंने देखा, बहुत ही बेहतरीन उनकी एक्सप्रेशन होती है, मतलब एक्सप्रेशन बहुत ही कमाल की होती है उनकी, और बहुत ही अच्छी डांसर भी है, ठीक है। उनका मैंने एक गाना सुना था, शायद संबलपुरी गाना सुना था, जिसमें भाई साहब उन्होंने मतलब आग लगा दिया था, बहुत ही बेहतरीन उनका एक्सप्रेशन रहता है, ठीक है। और भाई शशिकांत और राज का भी मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे, राजा का बहुत सारे वीडियोस देखे, पर जयश्री
भाई एक्सप्रेशन तो बहुत तगड़ी देती है, ठीक है। तो चलो देखते हैं आगे और जानते हैं कि कैसा रहता है उनका एक्सप्रेशन वगैरह, सारा चीज को जज करेंगे। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो भाई देखो लिरिक्स की अगर बात करूँ तो दो लड़के हैं, ठीक है, लगे पड़े हैं गजरावाली को मतलब कन्विंस करने में, अपने प्यार में रिझाने में, पर अनफॉर्चुनेटली वो मान नहीं रही है किसी से, क्योंकि भैया वो इनसे दर्शानी है, ठीक है भैया, ये जो जवाब दे रहे हैं, ठीक है, जैसे कि भाई तुम्हारा दिस दैट, मतलब जो भी सब चीज़ अच्छा लगता है और बहुत ही तारीफें कर रहे हैं, पर उधर से वो बोले भाई ये सब मुझे पसंद नहीं है, ठीक है, और वैसा सीन है। तो लगे पड़े हैं दोनों कोशिश में, अब देखो किसकी सेटिंग होती है एट द एंड ऑफ द डे। हाँ, म्यूजिक की अगर मैं बात करूँ तो जिस तरीके से म्यूजिक स्टार्टिंग में जिस तरीके से रॉक के साथ एंड हुआ, मतलब स्टार्ट हुआ था, ठीक है, उस तरीके से लिरिक्स में उतना ही शांत म्यूजिक है, क्योंकि उतना ही तुम्हें थोड़ा ढील दिखाई पड़ता है, क्योंकि भाई लिरिक्स को ज्यादा प्रेफरेंस दिया गया है मेरे हिसाब से, कि लिरिक्स लोग समझे। और आमतौर पे ऐसे ही तो म्यूजिक इंडस्ट्री में भी देखोगे, ठीक है, जहां पे गाना आता है ना, वोकल आता है जहां पे, वहां पे म्यूजिक को थोड़ा लो डाउन कर दिया जाता है, जिससे कि लिरिक्स लोगों को पता चले और बाकी तुम्हारा पूरा म्यूजिक जो होता है वो तो भाई म्यूजिक ब्रेक में रॉक रहता ही रहता है। प्लस में संबलपुरिया में ये सीन है कि भाई वहां पे तो भाई तुम कहीं पे भी देख लो हर तरफ म्यूजिक लाउड ही रहता है, तो भाई वो अलग ही लेवल है, ठीक है। अब ये भी मुझे पसंद आ रहा है, ऊपर से एक्सप्रेशन बहुत अच्छे लग रहे हैं मुझे, सारे एक्टर्स के बहुत ही अच्छे तरीके से काम करा है, पर जयश्री इज लव, चलो देखते हैं। फिल्म बाय रवि शाहू, और रवि शाहू जी का ये वीडियो था, तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग था, ठीक है। वीडियो को ज्यादातर मैं नहीं बोलूंगा, वीडियो उतना कुछ खास करा गया है, मतलब कि एक ही लोकेशन पे पूरा को शूट करा गया दिन और रात में, ठीक है, जो कि काइंड ऑफ चलो ठीक है, अगर मतलब उतना शायद बजट नहीं होगा इसके कारण इस तरीके का स्टेप लिया गया, बट आई लव कॉन्सेप्ट, ठीक है। और भाई मुझे गाना बहुत पसंद आया, ठीक है, गाना मेरा देखो भाई एट द एंड रिएक्शन में गाने को जज करते हैं, तो गाना मुझे बहुत पसंद आया और मैंने इंजॉय करा गाना को, ठीक है, बहुत ही मजा आया। गाना अमित शाह ने इसका मतलब निर्माण किया है, ठीक है, और भाई बहुत ही अच्छा लगा, मतलब उतना तो मैं बोलूंगा नहीं वीडियो को कुछ, क्योंकि वीडियो एक ही लोकेशन पे ओवरऑल पूरा खत्म हो गया, ठीक है, दिन और रात में दोनों को शूट करा गया, पर हाँ गाना पे अगर जज करूँ तो गाना बहुत अच्छा था, गाना मजा आया सुन के, ठीक है। नोक झोंक वाली थोड़ी लिरिक्स थी जो कि भैया एट द एंड ये कह के खत्म होती है कि भैया घर आके लेके जाओ, ठीक है, ये सब प्यार मोहब्बत नहीं करते, मैं डायरेक्ट शादी करो, ठीक है, वैसा वाला सीन था, पर मजा आया देख के, ठीक है। तीनों कास्ट श्री शशिकांत, जयश्री और राजा ने बहुत अच्छे तरीके से काम किया। आचार्य शाहू का मुझे आवाज बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। करिश्मा खान का थोड़ा मतलब जिस तरीके से आचार्य का आवाज था उस तरीके से मुझे करिश्मा थोड़ा बहुत उतना नहीं लगी, बट हाँ आचार्य का आवाज बहुत सेक्सी था, बहुत मजेदार था, ठीक है। तो ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, तुम्हें बताओ तुम्हें कैसा लगा ये गाना, अगर सुने होता